झारखंड में लोकसभा चुनाव के बिगुल बजाने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के धनबाद संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों ने अपना पुरजोर लगा दिया। इसी निमित्त भाजपा के बागमारा विधायक झुलू महतो की पत्नी जनता के समर्थन पाने के लिए बलियापुर प्रखंड के सिंदूरपुर पहुंची, जहां विधि विधान के साथ सिंदूरपुर स्थित श्री कोठा बूढ़ा बाबा धाम में पूजा अर्चना की एवं झुलू महतो की जीत की कामना की। इस दौरान दर्जनों पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे उपस्थित रहे। सभी में खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम का नेतृत्व झारखंड बंगला भाषा उन्नयन समिति के संस्थापक एवं केंद्रीय सदस्य रीना मंडल ने किया। इस दौरान सिंदूरपुर के लोगों से झुलू महतो के प्रति अपना अमूल्य वोट देने का आह्वान किया गया। अपने वक्तव्य में झुलू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने कहा कि विधायक जी को टिकट मिलना बड़ी बात नहीं है, टिकट आप सभी देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मिला है। इतना ही नहीं, टिकट आप सबों को मिला है, जिसको देखते हुए अपना प्यार और आशीर्वाद दें। वहीं झारखंड भाषा उन्नयन समिति के बेंगू ठाकुर ने भी बागमारा विधायक झुलू महतो के प्रति अपना समर्थन देते हुए सभी से आह्वान किया। गरीब गुर्गों के लिए जितने भी कार्य झुलू महतो ने किया, सबकी चर्चा लोगों के बीच किया गया। मैडम, विधायक जी के लिए आप जो है क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा भ्रमण कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? जी देखिए, जिस तरह से आज यहाँ धनबाद लोकसभा के सभी माता बहनों और भाई बंधु के आशीर्वाद से हमारे विधायक जी को धनबाद लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके लिए हम सबसे पहले यहाँ के जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्हीं का विश्वास था कि यहाँ पे विधायक जी एक बार सांसद बन के आए, और इन सभी के विश्वास से ही ये टिकट मिला है। ये टिकट विधायक जी को नहीं, हमारे धनबाद लोकसभा के तमाम माता बहनों और भाई बंधु का टिकट है। सांसद जी सांसद बनेंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, आज तक उन्होंने विधानसभा में रखने का काम किए, तो अब लोकसभा जो हमारे धनबाद लोकसभा में जितने भी आते हैं विधानसभा, तमाम माता बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, भाई बंधु का आशीर्वाद मिल रहा है। जिस तरह से कि यहाँ विपक्षी भी, मतलब वो लोग सोचे भी नहीं थे कि इस तरह विधायक जी को आशीर्वाद मिलेगा, और हम लोग को जिस तरह से सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से विधायक जी की तरफ से और अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से देवतुल्य जनता अपना आशीर्वाद दे रहे हैं विधायक जी को, हमारे जो धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी हैं, इनको सांसद बनाने के लिए अपना पुरजोर ताकत लगा दिए हैं। मातृशक्ति हो या सभी भाई बंधों का आशीर्वाद हो, पार्टी के अंदर में भी थोड़ा सा जो है विरोध देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, आप लोग को मिलता होगा, लेकिन हम लोग को तो जहाँ जा रहे हैं पार्टी का समर्थन मिल रहा है, ऐसा कोई पूर्व सांसद जो है 486,000 मतों से जो है वो लीड करके वो जीते थे, आपको क्या लगता है इस बार विधायक जी का क्या अनुमान है आपके नजर में? जिस तरह से यहाँ देवतुल्य जनता आशीर्वाद दे रही है, कि हम, मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस बार 10 लाख पार होगी। दादा, जिस तरह से बंगला भाषी को लेकर जो है आप हमेशा से सरकार से कुछ मांगे कर रहे थे, चंपा सोरेन से मिले भी थे आप, इस बार सांसद बनने के बाद झुलू महतो से क्या क्या मांगे रहेंगी? देखिए, हमारे विधायक झुलू महतो जी, इस बार आपका जनता का डिमांड था, जनता का मांग था कि आज़ादी का 75 साल के बाद कोई गांव का बेटा को इस बार टिकट मिले। तो हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष आपका बाबूलाल जी को, धनबाद जिला का ग्रामीण जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम कार्यकर्ता को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं। इस बार गांव का एक गरीब का बेटा को धनबाद लोकसभा में प्रत्याशी बनाया है, वो भी राष्ट्रीय पार्टी में। सवाल है बांग्ला भाषा का, विधायक जी जब हमारा बागमारा क्षेत्र के विधायक जी थे, उन्होंने विधानसभा में पहला विधायक, उन्होंने आपका विधानसभा में क्वेश्चन उठाए थे, उन्होंने एक ही राय का मूर्ति आपका विधानसभा में लगे ये उठाए थे। मनिंद्र मंडल का जब जमीन को अतिक्रमण किया गया, उस समय धनबाद जिला का कोई विधायक नहीं गया, एकमात्र झुलू महतो जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाकर मनिंद्र मंडल का जमीन को बचाया। जब आपका पिछले 9 जून को 2 बंगाली परिवार को भैया आपका रानीबाग में पीस के मार दिया, कोई विधायक नहीं क्वेश्चन उठाया, विधायक झुलू महतो ने क्वेश्चन उठाया,
आज देखिए मजबूरन वो माफिया तत्व के लोग उस जाके का पीड़ित परिवार से आपका मिल के उसको मुआवजा दिलाए। ये विधायक जी का ये विधायक जी पे भी तो आरोप लग रहा है जमीन। देखिए कोई भी गरीब का बेटा अगर किसी गरीब को बचाने जाए तो पूंजीपति लोग आरोप लगाएगा। हम तो कहते हैं वो विधायक है, अगर गरीब को बचाने के लिए हम पर भी अगर 50 केस लग जाएगा तो हम भी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन गरीब को बचाएंगे। विधायक जी का ये थिंकिंग है। विधायक जी का 20 दिन तक धरना दिए रणधीर वर्मा चौक पर। हाँ देखिए वो आपसी का जो है ना ये विपक्ष का एक षड्यंत्र है, आज तक के खिलाफ 85 अभी तक तय कर रहा है, कौन इससे टक्कर लेगा? ढुलू महतो हमारा बड़ा भाई जी है।